बहुत साल पहले इनकी तमन्ना थी जो ईश्वर ने माता रानी ने हरे कृष्णा ने पूरी की, तो आज ये दोनों मेरे हरे कृष्णा के रूप राधा और कृष्ण की जोड़ी में खड़े हैं। वो तो खैर मेरी बीवी है, सभी जानते हैं। सूर्यदास जी 93-94 से चाहते थे कि मैं इनके साथ काम करूं, तो जब इनका फोन आया मुझे अमेरिका से, तो इन्होंने कहा कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो मैंने कहा ऐसा है, देखिए प्राइवेट एल्बम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मगर मैं चाहता हूं कि आप एक बैंक बनाएं दिलीप सेन और सूर्य कुमार दास के नाम से, और उस बैंक में रोमांटिक गाने हो, सैड सॉन्ग हो, छेड़छाड़ के गाने हो, सूफी गाने हो, जो हम चाचा भतीजे का यानी दिलीप सेन समीर सेन का जो स्टाइल है उस प्रकार के गाने हम लोगों ने किए हैं, और काफी इसके अंदर अलग मुचाल है, साधना सरगम जी, अनुराधा जी हैं, प्लस आप तो मैन हीरो है ही मेरे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 7 समुद्र कहिए या 14 समुद्र कहिए, अमेरिका को जो भी माने आप, वहां से ये पार करके आए खास करके ये गानों के लिए। और मैं समझता हूं कि आज तक जो दिलीप सेन समीर सेन का जो स्टाइल आया, जो हमारी स्टाइल से हमें पहचाना जाता है, 2022 के जो ये गाने हमने बनाए हैं, ये 2022 ही नहीं सदाबहार ये गाने चलते रहेंगे, और आज इस टाइप के म्यूजिक की बहुत जरूरत है। तो इन गानों को लिखा है एम प्रकाश जी औरंगाबाद जी ने, यानी एम प्रकाश जो है वो औरंगाबाद में रहते हैं, तो उन्होंने इन गानों को लिखा है और गाया है सूर्य कुमार जी ने। तो सूर्य कुमार दास जी से अब इन्हीं से पूछे, क्योंकि मैं तो रोज ही आप लोगों से बात करता हूँ मेरे विषय में या गानों के विषय में। सूर्या जी बात कीजिए। सूर्य जी हाँ, आप अपनी सिंगिंग जर्नी के बारे में बताएं। सिंगिंग कैरियर? हाँ जी, सिंगिंग कैरियर तो बहुत दिन से शुरू हुआ बम्बई। हम तो ऐसा हैं जो तैरना सीख करके समुद्र में कूदते नहीं है। क्या हम पहले समुद्र में कूद जाते हैं जी, तब शायद तैरना सीखते हैं। क्योंकि आज जो आप देखे हैं इतना टेक ले रहे हैं गाने में, जो लव जो होते हैं ये सब हमारा जो होता है ना हमारा इसमें नहीं, इसलिए मतलब हिंदी उर्दू बेस नहीं है। हम उड़ीसा से हैं और हमारा एक्सेंट लग जाता है। बट ये 1990s का जो गाना होता था भाई साहब वगैरह जो देते थे, उसके बाद और गाना ही नहीं है सुनने के लिए। हम अमेरिका में बैठे हुए हैं लेकिन गाना नहीं आ रहा है। हम सोचा कि आजकल तो रिटर्न उसका भूल जाइए, बट गाना अच्छा होना चाहिए। गाना सुंदर सा गाना मतलब ब्यूटी, राइट, ब्यूटीफुल गाना होना चाहिए जी। इसलिए हम भाई साहब को पकड़े हैं और अच्छा अच्छा गाना उनसे निकाले और हम गाएं। क्या बात, आप अगर मौका दें तो हम देखेंगे कैसे क्या हो जाता है। बहुत अच्छा। मैं सूर्या जी के एक लिए एक ही बात कहूंगा आपसे कि जो इनकी वाकई में जो लगन थी, और ईश्वर ने, माता रानी ने, हरे कृष्णा ने इनका पूरा किया, फिर हम दोनों के संगम ने, एक हमारी बहू रानी है ये अमेरिका से हैं और एक मेरी बीवी है, हम लोगों ने सबने मिलके ये प्रोजेक्ट को शुरू किया, और राकेश जी हैं हमारे रिकॉर्डिस्ट राकेश शर्मा जी जो बहुत प्यारे गाने रिकॉर्ड करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब इंसान ठान ले ना तो मतलब वो कामयाब होता ही होता है, और बहुत दिनों बाद भी सही, कई सालों बाद सही, पर हम लोग वापिस मिले, वापिस क्या मिले, नए सिरे से मिले और ये एल्बम हम लोगों ने शुरू किया, और बहुत जल्द आप लोगों को ये एल्बम के जो गाने हैं हमारे फिल्मों में आपको सुनने को मिलेंगे। और बाकी तो मैं यही कहूंगा कि बस यू से समथिंग, हाउ डू यू लाइक टू दिस सॉन्ग इंग्लिश हिंदी? आई लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच। आई एम नॉट 100% श्योर ऑफ द वर्डिंग्स, माय हस्बैंड ट्रांसलेट्स फॉर मी, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साउंडिंग एंड एक्साइटेड टू हियर इट ऑल कम टुगेदर, एंड आई नो ही इज एक्साइटेड टू वर्क विद मिस्टर दिलीप सेन जी, एंड वी आर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ऑल मीडिया टीम का शुक्रिया अदा इनको, इनको थैंक्स बोलो मीडिया को। आज जो सॉन्ग जो रिकॉर्ड हो रहा है तुझे चांद चाहूं, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, तुझे चांद क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए अब मैं उम्र क्या मेरी कुछ भी नहीं है, तो वो गाने तो मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जो हमारा स्टाइल है, और जो हम लोगों ने आज तक रोमांटिक गाने दिए, चाहे वो ओले ओले दिया हो हमने या होठों पे बस तेरा नाम है दिया हो। आपने जो मेलोडी हमारी 90 के दशक में होठों पे बस तेरा नाम सुने, जैसे होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, ये गाना आज तक चल रहा है। तो इसी तरीके से तुझे फूल कहूं, तुझे चांद कहूं, ये गाना भी चलेगा। और ये ऐसा गाना नहीं है कि आयार गया, इसका जो म्यूजिक हमने टोटल जो म्यूजिक बनाया है वो समझ लीजिए कि अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा पैकेज बनाया, गुलदस्ता बनाया हम लोगों ने। और जिस तरीके से मैं एक बात तो आपको कहना चाहूंगा कि जिनकी वजह से मैं बना, या हम मैं ही नहीं और भी कई संगीतकार बने जिनका नाम है गुलशन कुमार जी, जिस तरीके से गुलशन कुमार जी ने बैंक बनाई थी, तो खैर वो तो बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही बड़े थे इंसान,
और आज भी हमारे लिए पूजनीय है। उस स्वर्ग में माता रानी उनको बहुत अच्छे रखें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आज तक हम जितने संगीतकार जो चल रहे उनके साथ जिन्होंने भी काम किया, दिलीप सेन, समीर सेन, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि सूर्य कुमार दास जी भी एक अपना अच्छा बैंक बनाए, और इसमें अलग अलग प्रकार के हम गाने रिकॉर्ड करेंगे और भविष्य में मतलब अच्छा म्यूजिक देने की कोशिश करेंगे। लोगों जो आज मुझसे कहते हैं कई इंटरव्यू में लोग कि दिलीप जी अब नबे का म्यूजिक सुनाई नहीं देता, अब क्या हो रहा है, मैंने कहा समय आने दीजिए, अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं और बस 2022 है, तो फिर 22 से जो हमने अभी वापस इवनिंग शुरू की है, सूर्य कुमार जी की, दास जी की ये गाने आप सुनिएगा, बहुत ही प्यारी आवाज है इनकी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूर्य कुमार दास जी की जो आवाज है वो किसी सिंगर में मिलती नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि फला 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 या सिंगर है, इनकी अपनी खुद की ऑन वॉइस है। उस ऑन वॉइस की वजह से मुझे उम्मीद है कि ये अब बहुत जल्द अपना एक स्थान बनाएंगे, जैसे दूसरे सिंगरों का हम जिक्र करते हैं या नाम लेते हैं कि फलाना गाना फलाने सिंगर का हिट हुआ है, तो आने वाला कल सूर्य कुमार दास जी के नाम से हिट होगा कि नहीं यार वो सूर्य कुमार जी का गाना लगाइए, बहुत प्यारा गाना है। सूर्य जी कुछ लाइन कुछ नहीं सुनाइए जिसमें हमारे दर्शक सुने ये गाना जो गाना हाँ वही तुझे फूल कहूँ या तुझे चांद कहूँ मेरे दिल कहूँ या मेरी जान कहूँ। ये जो गाना इतना अच्छा बना है, आप लोगों जो है मिलकर के हम सब काम करते हैं और ये सब नया नया जो सुरीला जो मेलोडियस सॉन्ग्स आता आने के लिए बंद हो पड़ा है उसको आगे लाए और सब मिलकर चलिए एक नया अंदाज अगेन आशिकी के बाद जो आया था जी, अभी ऐसा और एक दूसरा नाम दे दीजिए, हम बोलते हैं जान नहीं पाता हूँ, लेकिन चलिए एक नया अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल नया संगीत का युग बनाए प्लीज। इसके लिए मैं राकेश जी से कहूंगा, बताइए राकेश जी आपको इनकी आवाज कैसी लगी। जी जी सुरदास जी का बहुत अच्छी आवाज।